हेलो एंड वेलकम बैक टू द एक्वेरियस वर्ल्ड। जो आज की वीडियो है वो है प्लांटेड बाउल लोटेक एक्वा एस्केप अंडर ₹100। तो जो आज की वीडियो होने वाली है इस वाले में याली बाउल एस्केप करेंगे और वो भी ₹100 के अंदर, वो भी लोटेक प्लांटेड रहेगा, पूरा पूरा प्लांटेड एस्केप करने वाले हैं इसमें। लेकिन इस वाले जो ₹100 है उसमें मैं ये बाउल की कॉस्ट और ये जो 9 वॉट का 6500 केल्विन का बल्ब है इसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांटेड एक्वा एस्केप करने वाले हैं, तो जितनी भी चीज़ें स्केपिंग में काम आती है प्लांटेड, तो वही वही चीज़ों के मैं रेट इंक्लूड करूंगा इसमें, जैसे कि हो गया सबस्ट्रेट, स्टोन्स, ड्रिफ्ट वुड एंड प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें यूज़ आती हैं स्केप में, तो उन सब की मैं इसमें कॉस्ट इंक्लूड करूंगा। आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा आया है, कितनी कॉस्टिंग पड़ी है मुझे। तो जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है वो है सबस्ट्रेट, जैसे कि ADA, प्लेटिनम सॉइल्स वगैरह, वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती हैं इस स्केप में। तो वो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसको आप सब्सट्रेट बना पाएंगे, जो कि मैंने अपने पीछे वाले प्लांटेड टैंक में भी यूज़ किया था और उसको अराउंड में जो 4 से 5 महीने हो चुके हैं और एकदम इफिशियंटली बहुत अच्छे से काम कर रही है सब्सट्रेट, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, बहुत अच्छी फर्टिलिटी है उसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है उनकी, अभी भी ग्रोथ हो रही है, प्रेजेंट में भी कोई भी ग्रोथ रुकी नहीं है अभी उसकी, मैं बस उसमें रेगुलर वाटर चेंजेस वगैरह कर रहा हूँ साथ में। तो इसमें भी वही वाली रिवर्स सेंड यूज़ करने वाले हैं, तो उस रिवर्स सेंड आप कैसे उसको फ्री में ले सकते हैं या कैसे उसको आप एक्वेरियम सेफ बना सकते हैं, तो उसकी एक वीडियो डेडिकेटेड मैंने अपने चैनल बनाई थी, तो उसको देखने के लिए आप आई कार्ड पर मैं उसकी लिंक डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो अब जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ मिलती है वो मिलती है ड्रिफ्ट वुड। इस एक्वेरियम हॉबी में ड्रिफ्ट वुड बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, अलग अलग शेप एंड साइज़ की, तो वो भी आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं और उसको कैसे एक्वेरियम सेफ कर सकते हैं, तो उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, वो भी मैं अपने आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फिर आते हैं स्टोन्स, तो स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग शेप एंड साइज़ के स्टोन्स आते हैं हॉबी में, तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं एक्वेरियम शॉप्स, ऑनलाइन स्टोर्स में बहुत महंगे मिलते हैं, तो उसको भी मैंने आपको बताया था कहाँ से आप कैसे क्या टेस्ट करके आप अपने स्टोन्स ले सकते हैं एक्वेरियम से सेफ जो स्टोन होते हैं, तो उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी मैंने, तो वो भी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अब आते हैं प्लांट्स पे, तो प्लांट्स भी आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, तो आपका एक्वा एस्केप पूरा फ्री हो जाएगा, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी, आप लेक के किनारे से प्लांट ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट रहते हैं लेक पे, नदी के किनारे भी बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उनमें स्नेल वगैरह के एग्स वो बहुत रहते हैं, तो आपका स्नेल आउटब्रेक हो जाता है एक्वेरियम के अंदर और वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा स्नेल हो जाते हैं, बहुत सारे स्नेल्स और बैक्टीरियाज वगैरह भी रहते हैं, पैरासाइट्स वगैरह, जो कि आपके फिशेस को भी हार्म कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, मैंने प्लांट बाय कर लिए और उसमें प्लांट की ही कॉस्टिंग आने वाली है जो भी आने वाली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाइल्ड बाउल एक्वास्केप करने या बाउल वाइल्ड प्लांटेड टैंक लोटेक में स्केप करना अपने घर पर जो कि वो बिल्कुल फ्री, तो आप लेक और रिवर से भी प्लांट ले सकते हैं, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका बिल्ड हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है, मैं वो भी बिल्ड कर चुका हूँ, मैं आपको वो फोटो भी डाल दूंगा यहाँ पे अगर पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए अभी इसको स्किप करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मैं कौन कौन से प्लांट यूज़ करने वाला हूँ और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ इस बाउल के स्केपिंग में। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये वाली चीज़ें मैं स्किप में यूज़ करने वाला हूँ इस वाले, तो ये वाले स्टोन्स यूज़ करने वाले हैं, ये वही वाले स्टोन्स हैं जो हम लोग रॉक हंटिंग करके लाए थे ओरछा और गढ़मुरी जाके, जिसकी मैंने आपको पूरी वीडियो और व्लॉग बना के दिखाया था और बताया था कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टोन आपके लिए एक्वेरियम के लिए सेफ रहेगा और कैसे आप उसको एक्वेरियम सेफ बना सकते हैं, तो ये वही वाले स्टोन्स हैं और ये रिवर्स एंड यूज़ करने वाले हैं, जिसकी भी वीडियो मैं आपको बना के दिखा चाहूँगा कैसे आप रिवर्स एंड को इजीली एक्वेरियम सेफ बना सकते हैं और इसमें प्लांट भी ग्रो करके मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, एक प्लांटेड टैंक पूरा रिवर्स एंड पे चल रहा है मेरा और बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है उसकी, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, तो यही वाली सॉइल यूज़ करेंगे इस वाले टैंक में अपन स्केप के लिए, ये वाले प्लांट यूज़ करने वाले हैं इस वाले स्केप में। तो ये वाला जो प्लांट है इसका नाम आपको स्क्रीन के किसी कॉर्नर पर मिल जाएगा और ये वाला प्लांट मुझको ₹5 का पड़ा था पर पीस, ये वाला प्लांट का भी नाम आपको किसी कॉर्नर मिल जाएगा वीडियो के, और ये वाला प्लांट मुझको ₹2 का एक स्टेम पड़ी थी इसकी, ₹2 पर स्टेम था ये वाला प्लांट, और पूरी कैलकुलेशन जब जैसे जैसे मैं प्लांट लगाऊंगा एक्वेरियम में वैसे वैसे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता जाऊंगा, स्क्रीन के किसी कॉर्नर पर कैलकुलेशन आती जाएगी पूरी कि कितने प्लांट लग रहे हों, कितनी कैलकुलेशन होती जा रही है अपनी, अंडर ₹100 ही रखेंगे क्योंकि। और ये जो डॉफ ग्रास का पूरा बंच है ये मुझे ₹50 का पूरा बंच मिला हुआ था और इसमें मैं हाफ यूज़ करने वाला हूँ, तो ₹25 की ये हो जाएगी। और ये जो डॉफ ग्रास होते हैं ये एक्चुअली CO2 के साथ ग्रो करती है, लेकिन इसको विथ रेगुलर वाटर चेंजेस के साथ मैं इसको ग्रो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने जब इसको अपने प्लांट टैंक में रखा था कुछ दिनों के लिए तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर गई थी, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है ग्रो कर जाए, तो एक ये टेस्टिंग भी हो जाएगी साथ ही साथ।
तो ये वाली ड्रिफ्ट वुड यूज़ करने वाले हैं इस वाले स्केप में, और ये ड्रिफ्ट वुड आप कैसे एक्वेरियम सेफ बना सकते हैं, कैसे आप ड्रिफ्ट वुड बना सकते हैं अपने एक्वेरियम के लिए, तो उसकी लिंक मैं आई कार्ड पर और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप वाली वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में पड़ेगी आपको ये ड्रिफ्ट वुड। तो देखा आपने कि ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ इस स्केप में, ये सारे प्लांट्स और ये ड्रिफ्ट वुड स्टोन्स और जो भी मैंने आपको दिखाया, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ इस स्केप में, इस प्लांटेड बाउल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको स्केप करना, और साथ ही साथ हर चीज़ की कॉस्टिंग भी ऐड करता जाऊँगा, एंड में आपको पूरी टोटल दिखाऊंगा उसका कि कितनी कॉस्ट पड़ी है इसको पूरा लो टेक प्लांटेड बाउल में मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिल्ड करना। ये जो स्केप है ये एक्चुअली अंडर रुपीज़ 50 में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अंडर रुपीज़ 50 बाउल होने वाला है अपना। मुझे पहले पता नहीं था कि 50 कॉस्टिंग आएगी, लेकिन वीडियो बनाने के बाद मैंने देखा कि जो कॉस्टिंग है वो 50 रुपये के अंदर ही है, तो इसलिए आपने थंबनेल पे देखा होगा कि वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लांटेड बाउल अंडर रुपीज़ 50।
तो आपने देखा कितना अच्छा बाउल एस्केप हुआ है, वो भी इतने कम कॉस्ट में, ₹100 के अंदर ही इतना अच्छा एस्केप हो गया है बाउल। और इसमें मैं जल्दी फिश ऐड करूंगा, जैसे ही इसकी ग्रोथ अच्छी होती है वैसे ही मैं इसमें एक अपडेट वीडियो लाऊंगा, और साथ ही साथ उसी अपडेट वीडियो में ही मैं इसमें फिश या श्रिम्प ऐड करूंगा। और मुझे आप सजेशन दीजिए कि मैं इसमें कौन सी फिश ऐड करूं, और या तो फिर कौन सा श्रिम्प ऐड करूं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूं, क्या क्या चीज़ें नहीं करूं, तो वो उसको मैं सजेशन मुझे कमेंट में करके बताइए। अगर मुझे अच्छा लगेगा सजेशन आपका तो उसको मैं बिल्कुल कंसीडर करूंगा, और उसमें मैं वो वाली फिश या श्रिम्प भी ऐड करूंगा, उसका नाम भी मेंटेन करूंगा जिसने भी मुझे वो सजेशन दिया होगा उसके रिगार्डिंग। तो वो सब करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखना अपना सजेशन। तो यही थी वीडियो पर फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगर आप नए हैं चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले एक्यूरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एक्यूरेंस ट्रेल के थ्रू मिले, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज अभी आने बाकी हैं अपने चैनल पर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने बाकी हैं, तो उन सबके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो करिए, वहाँ पर मेरे दो पेजेस हैं, एक्यूरेंस ट्रेल प्रवेश और से, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक्यूरेंस ट्रेल वाले पे सारे अपडेट्स चलते रहते हैं, बिहाइंड द सीन, स्नीक पीक्स, अपडेट्स ऑफ न्यू वीडियोस, सब कुछ वहाँ पे चलता रहता है, तो वहाँ पे जरूर फॉलो करें मुझे। प्रवेश शोर से मेरा फोटोग्राफी पेज है, फोटोग्राफ में इंटरेस्ट है आपको तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।